मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। स्वीडन की नेटो में शमूलियत का मामला, कनाडा की हिमायत। कनाडियन वजीर दिफा का कहना है कि ये कनाडा के लिए बहुत ही दिलचस्प है। कनाडा के इत्तेहादियों ने स्वीडन की शमूलियत के लिए भरपूर हिमायत का इजहार किया है। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए फॉग एडवाइजरी जारी। धुंध के सबब पियर्सन एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। शहर में जुमेरात के रोज़ बारिश का इम्कान। रूसी फौजी तैयारे के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए। तैयारा हादसे पर रूस ने सलामती कौंसल का हंगामी इजलास तलब कर लिया। रूसी वजीर खारजा ने कहा है कि यूक्रेन का रूसी तैयारे को गिराना एक मुजरिमाना फेल था। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करते हैं खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. स्वीडन नेटो में शमूलियत के करीब पहुंच रहा है और कैनेडियन वजीर दिफा बिल ब्लेयर कहते हैं कि ये कनाडा के लिए बहुत ही दिलचस्प है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। स्वीडन नेटो में शमूलियत के करीब पहुंच रहा है और कैनेडियन वजीर दिफा बिल ब्लेयर कहते हैं कि ये कनाडा के लिए बहुत ही दिलचस्प है। स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने तकरीबन 2 साल कबल रूस के यूक्रेन पर मुकम्मल हमले के बाद इस इत्तेहाद में शामिल होने को कहा। ऐसा कुछ जिसके लिए तमाम अराकीन की मुतफिका रजामंदी की ज़रूरत है। फिनलैंड गुज़िश्ता अप्रैल में इसका रुकन बना था, लेकिन हंगरी और तुर्की ने स्वीडन की शमूलियत की मुखालफत की थी। तुर्की की पार्लियामेंट ने मंगल को स्वीडन की हिमायत में वोट दिया और हंगरी के वजीर आजम ने अब कहा है कि उन्होंने नेटो के सेक्रेटरी जनरल को अपने मुल्क की हिमायत की तस्दीक की है। एक बार जब ये इत्तेहादी बन जाता है, स्वीडन लिटोया में कैनेडियन ज़ेर क़यादत जंगी ग्रुप में शामिल होने के लिए फौजी भेजने का इरादा रखता है, जिसे एक ब्रिगेड तक बढ़ाया जा रहा है। बिल ब्लेयर ने एक इंटरव्यू में कहा, स्वीडन ने पहले ही इशारा दिया है कि वो लिटोया में एक बटालियन भेजने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा के इत्तेहादियों ने स्वीडन की शमूलियत के लिए भरपूर हिमायत का इजहार किया है। मुझे लगता है कि वो एक बहुत अहम पार्टनर बनने जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता मौसम गर्मा में लिटोया में कनाडा की मौजूदगी पहले ही मुसल्ला अफवाज की सबसे बड़ी बैन अलावामी तैनाती को 2026 तक 2200 फौजियों तक बढ़ाने के मंसूबों का ऐलान किया था। टोरंटो के हल्के बरसाती मौसम में दाखिल होते ही धुंध की एडवाइजरी जारी की गई। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो के हल्के बरसाती मौसम में दाखिल होते ही धुंध की एडवाइजरी जारी की गई। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि GTA में मौसम मुतदल है। तवक्को है कि अगले चंद दिनों में नुमाया बारिश होगी। टोरंटो GTA के मगरबी और शुमाली हिस्सों के लिए एक फॉग एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें एनवायरनमेंट कनाडा ने सुबह भर घनी धुंध और कम हद निगाह की वार्निंग दी। मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि हद निगाह नुमाया तौर पर और अचानक कम होकर सिफर के करीब हो सकती है। अगर ड्राइविंग के दौरान हद निगाह कम हो जाए तो अपनी लाइट्स ऑन करें और महफूज फासला बरकरार रखें। टोरंटो पियर्सन बैन अलावामी हवाई अड्डे का कहना है कि उसने इलाके में घनी धुंध की वजह से कुछ परवाजें आर्जी तौर पर ग्राउंड कर दी है, जिसकी वजह से पायलटों के लिए हद निगाह का कम होना है। पियर्सन से रवाना होने वाली और हवाई अड्डे पर पहुंचने वाली कई मुल्की और बैन अलावामी परवाजें हवाई अड्डे की वेबसाइट पर दोपहर तक ताखीर के तौर पर दर्ज थी। हवाई अड्डे ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि हालात बेहतर होने पर पूरे दिन में मुकम्मल ऑपरेशन दोबारा शुरू होने की उम्मीद है। एनवायरनमेंट कनाडा के मुताबिक शहर में जुमेरात को हल्की बारिश होगी और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 5 सेंटीग्रेड के करीब होगा।
जुमे को सुबह के वक्त बारिशों के साथ मौसम और ज्यादा गर्म होगा और 7 सेंटीग्रेड के करीब है। शहर में हफ्ते को मजीद बूंदाबांदी मुतवक्के है और इतवार की सुबह हल्की हल्की बर्फबारी भी हो सकती है, लेकिन हफ्ते के आखिर में दर्जा हरारत अंजुमात के निशान से ऊपर रहने की तवक्को है। रूस के सरहदी इलाके में गिरकर तबाह होने वाले रूसी फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारे के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। रूस के सरहदी इलाके में गिरकर तबाह होने वाले रूसी फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारे के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज तैयारे में सवार तमाम 74 अफराद हादसे में हलाक हो गए थे और रूस ने यूक्रेन पर तैयारा गिराने का इल्ज़ाम आयद किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारे में सवार यूक्रेनी फौजियों को कैदियों के तबादले के लिए बेलगोरोद ले जाया जा रहा था। रूस ने तैयारा हादसे पर अक़्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया। खबर रसा इदारे के मुताबिक रूसी वजीर खारजा सरगेई लावरोफ ने कहा है कि रूस ने अक़्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब किया है जब इसका फौजी तैयारा रूसी शहर बेलगोरोड के करीब गिरा था। उन्होंने न्यूयॉर्क में अक़्वामे मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम पुरउम्मीद हैं कि फ्रांस की सदारत में सलामती कौंसिल दयानतदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेगी और जल्द अज जल्द इस तरह के इजलास का शेड्यूल बनाएगी। रूसी वजीर खारजा ने कहा कि यूक्रेन का रूसी तैयारे को गिराना एक मुजरिमाना फेल था, हम अभी हकायक जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये तबसरा इस वक्त सामने आया जब रूसी फौजी तैयारा कैदियों के तबादले के लिए यूक्रेन जा रहा था। इस मुल्क की मुसल्ला अफवाज ने बेलगोरोड के इलाके में उसे मार गिराया। इस हादसे में जहाज में सवार तमाम 65 यूक्रेनी फौजियों के साथ साथ अमले के 6 अरकान और 3 एस्कॉर्ट्स हलाक हो गए थे। रूसी वजारत दिफा ने इस हादसे को दहशतगर्दाना हमला करार दिया था। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।